हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत साधवानी और आप देख रहे हैं फिटटॉक। आज मैं इस वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने जा रहा हूँ वो वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे नॉनवेज लोग भी इस फूड को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक कवर कर रहा हूँ वो है कम्प्लीट प्रोटीन वेजिटेरियन फूड। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, प्रोटीन वेजिटेरियन फूड नहीं, कम्प्लीट प्रोटीन वेजिटेरियन फूड। कंप्लीट प्रोटीन वेजिटेरियन फूड मतलब क्या होता है, जिसके अंदर 20 के 20 एमिनो एसिड्स शामिल हो, उसे हम कहते हैं कंप्लीट प्रोटीन वेजिटेरियन फूड। नॉनवेज लोगों के पास बहुत सारी वेराइटीज है इस टाइप की, जैसे एग्स, चिकन, फिश, मीट, उनको इस सबसे कंप्लीट प्रोटीन मिलता है, बट वेजिटेरियन लोगों के लिए इतना कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे फूड जिनमें प्रोटीन कंप्लीट है, मतलब उसमें 20 के 20 एमिनो एसिड्स आपको मिलेंगे और आप उसको डेली लाइफ में कंज्यूम भी करते होंगे, बट शायद आप लोगों को इसका आइडिया नहीं है। तो मैं आपको इन चीज़ों को डीपली बताऊंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो कंप्लीट प्रोटीन का मतलब तो आपको पता ही है, वो प्रोटीन जिस मील में हमें सारे के सारे एमिनो एसिड्स मिल जाए वो कंप्लीट प्रोटीन होता है। तो नॉनवेज लोगों के पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं कंप्लीट प्रोटीन सोर्स के लिए, लेकिन वेजिटेरियन के पास ऑप्शन कम है, उनको ये ऑप्शन कंबाइन करके बनाना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने दाल खाई तो उसमें से कुछ ना कुछ प्रोटीन मिस हुआ होगा, कंप्लीट प्रोटीन नहीं है तो कंप्लीट हमें बनाना पड़ेगा। तो अगर हम कंप्लीट प्रोटीन नहीं बनाएंगे तो मसल बिल्डिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मसल बिल्ड के लिए 20 के 20 एमिनो एसिड्स होना जरूरी है और इस टाइप का प्रोटीन वेजिटेरियन में बहुत कम मिलता है। तो फिर उन्हें सप्लीमेंट, वे प्रोटीन ये सब ऐड करना पड़ता है और ये वैसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो आज मैं आपको वो फूड बताने जा रहा हूँ जिसमें कंप्लीट प्रोटीन है, मतलब उसके अंदर 20 के 20 एमिनो एसिड्स अवेलेबल है। ये सब बताने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसमें लीन प्रोटीन नहीं मिलेगा। वेजिटेरियन फूड में लीन प्रोटीन ढूंढना बहुत मुश्किल है, आपको कार्ब और फैट तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। अब जो फूड मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है राइस एंड बीन्स, मतलब राजमा चावल। अब आप सोचेंगे ये तो आप नॉर्मली खाते ही होंगे, इंडिया में ना जाने कितने घरों में डेली राजमा या चावल तो बनते ही बनते हैं, अब ये कंप्लीट प्रोटीन कैसे हुआ? देखिए, राइस और बीन्स दोनों ही सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बट दोनों कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, इनमें कुछ मिसिंग है। तो अब ये कंप्लीट प्रोटीन कैसे बनेगा? अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दे तो हमें प्रॉपर कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा। तो दोस्तों, बीन्स के अंदर मिथाउनिन नाम का एमिनो एसिड्स है वो कम होता है और लाइसिन हाई होता है। तो मिथाउनिन जिस फूड के अंदर ज़्यादा है उसको हमने कंबाइन कर दिया है, जो कि है ब्राउन राइस, इसलिए हम इसे राइस के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो बीन्स के अंदर मिथाउनिन कम है और लाइसिन ज़्यादा है, और ब्राउन राइस के अंदर मिथाउनिन ज़्यादा है। तो जब ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो एक कंप्लीट प्रोटीन बनता है। इन दोनों को मिला के हमारी बॉडी को प्रॉपर 20 के 20 कंप्लीट एमिनो एसिड्स प्रोवाइड होंगे, जो आपकी मसल बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगे। बीन्स का मतलब सिर्फ राजमा नहीं है, जैसे चिक पीस मतलब वाइट चने, काले चने, लाल राजमा, काले राजमा या जितनी भी टाइप्स की दालें हैं वो सब इस कैटेगरी में आएगी। मिथाउनियम सारी दालों में कम है, इसलिए मैंने इसमें राइस ऐड किया, और कभी आप राइस की जगह रोटी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ब्राउन राइस और रोटी दोनों ही ग्रेन से बनते हैं। ग्रेन से बनी चीज़ें मतलब राइस, रोटी, इन सब के अंदर मिथाउनिन ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं तो आपको इससे कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा। आप लोग एक्सरसाइज के 1 घंटे बाद, मतलब आफ्टर प्रोटीन शेक जो हम मील लेते हैं, आप उसमें ये ऐड कर सकते हैं। और जो सेकेंड फूड मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आप सब लोगों के घर के अंदर होगा और आप लोग शायद इसे खाते भी होंगे, वो है पीनट बटर सैंडविच। तो दोस्तों, ब्राउन ब्रेड किससे बनता है? वीट से। तो जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें कंप्लीट प्रोटीन मिलता है, क्योंकि ब्राउन ब्रेड गेहूं से बनता है तो उसके अंदर भी लाइसिन कम है, और जो पीनट्स है उसके अंदर मिथाउनिन कम है। तो हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया है ताकि हमें सारे के सारे एमिनो एसिड्स प्रोवाइड हो, जिससे हमें मसल ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। बट दोस्तों, आपको अपना मैक्रो बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी फूड्स में प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत कम होगी, तो उसमें आपको दूसरी जगह से भी प्रोटीन लेना पड़ेगा, जैसे दूध, दही, नट्स वगैरह,
इन सबको ऐड करके आप अपने पूरे दिन की प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों और भी ऑप्शन है कंप्लीट प्रोटीन वेजिटेरियन फूड के, बट मैं आपको ये सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे घर में बनता है। हमारे क्या है, ये इंडिया में 70-80% घरों में बनता है और इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और स्पेशली वेजिटेरियन लोगों के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है कंप्लीट प्रोटीन का। नॉनवेज लोग भी इसे अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।